चलिए अब आपकी बारी, आप सुनाएंगे। मेरी बारी जी। जी तो चाय पियेंगे या अभी नहीं, दिल नहीं कर रहा है? चलिए चाय आ जाएगी, आप कहानी शुरू करें। जी जी जी, तो ये जो कहानी है, ये कहानी है एक बहरे इंसान और एक बीमार बूढ़े इंसान की। बहरे और बूढ़े की कहानी? जी जी जी, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, और आप गौर से सुनिएगा और बताइएगा कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। बिल्कुल, चलिए शुरू करें। शुरू करिए। ये कहानी एक ऐसे आदमी की जिसको कम सुनाई देने लगा था, लेकिन वो इस बात को मानता नहीं था, समझता था सामने वाला उससे मजाक कर रहा है। एक दिन उसकी मुलाकात अपने एक दोस्त से होती है, जो कि उसे बताता है कि उसके पड़ोस में कोई आदमी है जो कि बीमार है। हालांकि उसको देख के वो समझ नहीं पाता ये बोल क्या रहा है, लेकिन उसके इशारों से वो समझ जाता है कि वो पड़ोस में जो बूढ़ा रहता है उसकी तबीयत के बारे में बोल रहा है। वो कहता है, हाँ ठीक है, मैं उससे मिल लूंगा, उसकी तबीयत खराब है, उसका तबीयत खराब का पूछना कर लूंगा। अब वो इस बात को लेके परेशान था कि वो उस बूढ़े आदमी से क्या पूछेगा। एक तो वो बीमार है, ऊपर से उसकी काफी कमजोरी भी हो चुकी होगी, जिसकी वजह से उसकी ज्यादा आवाज नहीं निकल पाएगी। फिर वो सोचता है, क्यों ना मैं पहले से ही वो क्वेश्चन तैयार कर लूं जो मैं उस बूढ़े से पूछूंगा। वो दिल ही दिल में उन सवालों को बनाता है। वो सोचता है, मैं उससे पूछूंगा तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो वो बोलेगा, हाँ अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक से है। तो मैं बोलूँगा, बहुत बढ़िया, अल्लाह का शुक्र। उसके बाद मैं उससे पूछूँगा कि तुमने आज क्या खाया, तो वो जवाब देगा कि हाँ मैंने आज सब्जियों का सूप पिया और एक ठंडे शरबत का गिलास लिया। तो मैं बोलूँगा उससे, वाह बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। फिर मैं उससे पूछूँगा कि तुमने किस डॉक्टर को दिखाया, तुम किसको दिखा रहे हो, तो वो बोलेगा किसी भी लोकल डॉक्टर का नाम बोल देगा। तो मैं बोलूँगा, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया, वो तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो तो सबकी बीमारी को ठीक कर देता है। अब वो सोचता है, यार ये बिल्कुल सही सवाल है जो मैं सोच रहा हूँ, मैं इन्हीं सवालों को उसके पास लेके जाता हूँ और उससे बात करता हूँ। इन्हीं सारे सवालों का सोचकर वो बूढ़े से मिलने चला जाता है। अब वो बूढ़े से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, वो उससे पूछता है सब खैरियत से है। जवाब में बूढ़ा कर्राते हुए बोलता है, हाँ मैं बस मरने वाला हूँ। ये सुनकर वो काफी खुशी के साथ जवाब देता है, शुक्र खुदा का, बढ़िया है। फिर वो बूढ़े से पूछता है, तुमने रात क्या खाया था? बूढ़ा खिसियाया हुआ बोलता है, जहर खाया था। जवाब में वो आदमी फिर उसी अंदाज से खुश होकर बोलता है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ये सुनकर बूढ़ा काफी चिढ़ सा जाता है, उसके होठ उसकी जबान को रोक लेते हैं कि चलो मेहमान है, क्या कहूँ, खामोश रहता है। उसके बाद वो लड़का फिर बूढ़े से पूछता है, तुमने किस डॉक्टर को दिखाया? खिसियाया हुआ बूढ़ा बोलता है, मैंने मौत के फरिश्तों को दिखाया है। उसके जवाब में लड़का फिर बोलता है, हाँ अल्लाह उसकी खूब उम्र करे, वो जहाँ जाता है खुशियाँ लाता है, सबको गमों से छुटकारा दिला देता है। वो ये सारी बातें नादानी में अनजाने से कह जाता है, लेकिन इन बातों का बूढ़े पे क्या असर हुआ ये सिर्फ बूढ़ा ही जानता है। अब आप बताइए, आपने इस कहानी से क्या सीखा? मैंने इस कहानी से सीखा कि हम लोग जो हैं अपनी जो कमियां होती हैं उनको नजरअंदाज कर देते हैं जी, और दूसरे के बारे में जो हैं हम जो हैं परसेप्शन बना लेते हैं, हम किसी को भी दूसरे इंसान को प्रीजज करते हैं। तो ज़िंदगी में हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें अपने अंदर की भी जो कमियां हैं उनसे भी वाकिफ़ होना चाहिए, और दूसरे इंसान को जो है हमें पहले से प्रीजज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में कोई भी परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए। हर इंसान अलग है, वही है कि हम अपने प्रिज्यूम ना करें। जी जी, डायलॉग होना चाहिए, मोनोलॉग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। अब चलिए बस आने वाली है।